हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यस आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो मैं आज की वीडियो गाइस आप सभी लोग बताने वाला हूँ मोटर आया गाइस, इसमें वार्निंग कर दिया हूँ। आज मैं आप सभी को मोटर का फुल डिटेल बताऊँगा के बारे में, मोटर कैसे कैसे करते हैं, क्या है नहीं है, टी ओ के बारे में, सब चीज़ के बारे में मैं आप सबको फुल डिटेल देने वाला गाइस। आप सभी मेरे वीडियो में लाइक लास्ट तक, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। ये रहा गाइस, रहा देख सकते हैं, ये अभी मैं मोटर वाइंडिंग कर दिया हूँ, इसको कनेक्शन करना है तो मैं दिखाता हूँ आप सभी को इसका कनेक्शन होता किस तरह है। आज मैं फुल डिटेल देने वाला हूँ आप सभी को, तो आप सब गए वीडियो में देखे वीडियो में। तो देख सकते हैं गैस, ये आपको मोटर का ये कॉल हो गया, जैसे तो ये मोटर है वाइंडिंग में कर दिया हूँ। ये देखिए गैस, ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों हो गया आप रनिंग कॉल हो गया, इससे बोलते हैं रनिंग कॉल। ये आपका मोटर तार से बंद आता है, जैसे ये एग्रीकल्चर मोटर है, ये आप देख सकते हैं वारूणा कंपनी का है, यह वारूणा कंपनी का मोटर है। तो ये जैसे ये ज़्यादा वारंटी होता है 22-25 नंबर तार से वारंटी होता है, तो ये जैसे ये तो ये दोनों का 22-25 से ये होता है वारंटी होता है। ये देखिए जैसे ये आपको मोटा तार है, ये आपको 22 नंबर है, ये और ये दोनों 22 नंबर से वारंटी क्या हुआ, इसे बोलते हैं रनिंग कॉइल। ये दोनों गैस हो गया रनिंग कॉइल हो गया, ये दोनों गैस स्टार्टिंग कॉइल से बोलते हैं। तो ये दोनों गैस हो गया आपको स्टार्टिंग कॉइल हो गया, तो ये अलग हो गया ये दोनों, और ये दोनों अलग हो गया दे सकते हैं। तो इसे आपस में नहीं सटना चाहिए, तो इसमें आपस में नहीं सटने के लिए इसमें डालना पड़ता है ये आपको वाटर पेपर। तो ये वाटर पेपर मैं इसका बीच में भी यहाँ लेयर में डालूंगा, यहाँ डालने से क्या होगा कि ये दोनों आपस में नहीं सटेगा, ये दोनों आपस में नहीं सटना चाहिए। यदि दोनों अभी तो नया वायरिंग किया हूँ तो अभी तो नहीं सटेगा, बाद में तो चलते चलते ये कॉल पुराना हो जाएगा तो ये सटने डर रहता है, इसलिए इसमें बीच में एक लेयर में पेपर डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं वाटर पेपर डालूंगा, इसमें मैं वाटर पेपर है ये वाला पेपर डालूंगा, ये वाला पेपर मैं डाल कटिंग कर लिया हूँ, इसे अब मैं यहाँ डालता हूँ ऐसे। तो देखिए गैस, ये रनिंग स्टार्टिंग के बीच में मैं डाल दिया हूँ, ये देते हैं ये वाटर पेपर डाल दिया हूँ, सात नंबर वाटर पेपर में डाल दिया हूँ, दे सकते हैं ये रनिंग और ये भी रनिंग है, ये दोनों स्टार्टिंग है, ये दोनों आपस में शॉर्ट ना हो इसलिए यहाँ डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये डाल दूँगा, अब मैं ये धागा से इसे बांध देता हूँ, इसे नहीं धागा से बांधूंगा गैस तो क्या होगा, तो ये चलते चलते ये इधर उधर होगा, इसे धागा से बांधना बहुत ज़रूरी है, बांध इसे पूरा टाइट करना है। तो पहले मैं आप बांध देता हूँ, इसमें मैं वाटर पेपर बीच में डाल दिया हूँ और रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट ना हो इसलिए बीच में पेपर डाल के इसे देखो प्रॉपर तरह गैस इसे मैं पूरा बांध दिया हूँ, दे सकते हैं। अब क्या होगा गैस, ये अब आपस में सटेगा नहीं और ये अब तार हिलेगा नहीं। इसमें डाल दूँगा मैं बार्निश, ये बार्निश डाल दूँगा गैस, तो फिर ये और जो है गैस ये चिपक जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा, फिर ये प्रॉब्लम गैस नहीं करेगा। तो इसे अब मैं पलटता हूँ गैस, अब ये साइड में देखिए गैस, ये साइड में करना है कनेक्शन करना है, यहाँ पेपर में डाल दिया हूँ। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसमें दो जॉइंट था, ये जॉइंट तो मैंने पहले जोड़ दिया हूँ, जॉइंट में इसे ये रनिंग में ही जॉइंट था, एक ये भी रनिंग में जॉइंट था, दो जॉइंट जोड़ दिया हूँ। आप देखिए गैस, ये देखिए दो, ये रनिंग का जैसे दो ये है कनेक्शन, एक देखिए गैस ये दो है, ये रनिंग कॉइल का ये लीड देखें, ये जब लेफ्ट हाथ होता है, ये लेफ्ट हाथ मतलब बायां बोलते हैं हिंदी में, ये लेफ्ट हाथ हो गया गैस, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट तरफ जो गैस ये निकला है लीड गैस, ये हो गया स्टार्ट। कभी भी कौन सी का प्रेशन करते हैं तो लेफ्ट साइड जो होता है गैस, ये लेफ्ट साइड आपको ये स्टार्टिंग होता है, और ये राइट साइड में ये रनिंग होता है, कितना ये एंड ये स्टार्ट होता है, समझ जाते हैं। लेफ्ट की तरफ जाए स्टार्ट होता है और राइट की तरफ जाए एंड होता है, ठीक है। मैंने स्टार्ट मैंने शुरू हुआ, एंड मैंने ये ख़त्म हो गया, समझ जाए स्टार्ट मैंने शुरू और एंड मैंने ख़त्म। तो ये रनिंग का दो लीड है, इसी तरह ये रनिंग का भी दो लीड है दे सकते हैं, ये दो लीड है दे सकते हैं एंड स्टार्ट। इसी तरह ये स्टार्ट कॉइल का भी स्टार्टिंग कॉइल का भी जैसे ये स्टार्ट, ये लेफ्ट तरफ स्टार्ट और राइट तरफ एंड है, शुरू लास्ट इसी तरह से इसमें है। तो इसको जो है पूरा को भी आठों तार को हम कनेक्शन करके बाहर निकालना है, दो कंडेंसर के लिए और दो मेन लाइन के लिए। तो मैं अब कनेक्शन करता हूँ, तो कनेक्शन किस तरह करेगा, कनेक्शन करेगा आप सभी ये रनिंग कॉइल का, आप ये रनिंग का ये एंड पकड़ लें, दो ख़त्म हुआ जैसे ये जैसे इसका जो स्टार्ट है ये शुरू जो हुआ ये वाला ना पकड़ें, जो एंड हुआ है जो लास्ट हो गया गैस ये पकड़ें, ये रनिंग का एंड पकड़ें, इसी तरह गैस स्टार्ट को ना पकड़ें, ये रनिंग का एंड को पकड़ें मैंने लास्ट को, इसका लास्ट को पकड़ें और इसका लास्ट पकड़ें, ये दोनों को यहाँ जोड़ दें आपस में। पहले मैं इसे जोड़ लेता हूँ गैस,
तो ये दोनों जो है इसका एंड और इसका एंड जोड़ने से पहले जो है इतना पहले ये छील लें। ये जो देख रहे हैं जो इसमें पेंट लगा हुआ था, ये पेंट जो है जोड़िएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका तो ये सोल्यूशन जो है पेंट जो है इसे आप आरी ब्लेड का सहायता से इसे आप ये छील लें। जिस तरह मैं ये छीला जैसा तो कलर जो है जितना हो रही है मैं देख लिया यहाँ से जाते थे, यहाँ से मैं पूरा ये छील लिया हूँ इसे भी और इसे भी गैस मैं यहाँ से छील लिया हूँ। अब गैस मैं इसमें एक नंबर सिलीबिन डालूंगा, ये सिलीबिन गैस यहाँ डालूंगा इसलिए डालूंगा गैस ये डालने से क्या होगा ये यहाँ ना सटे और ये यहाँ या कहीं ना सटे, इसलिए यहाँ सिलीबिन डालूंगा मैं। ये सिलीबिन इसे बोलते हैं, इसे मैं पहले यहाँ डाल देता हूँ गैस। तो देखिए गैस मैं यहाँ एक नंबर सिलीबिन यहाँ और यहाँ डाल दिया हूँ। देखिए अभी यहाँ नहीं सटेगा जैसे सटे गैस, ये सिलीबिन है अभी दोनों जोड़ेंगे गैस। तो इसमें ये मोटा सिलीबिन है चार नंबर, इसे भी यहाँ डाल देगा, इसे भी यहाँ मैं डाल देता हूँ चार नंबर भी, क्योंकि यार इसे मैं जब आपस में जोड़ूंगा तो इसे इसका ऊपर कवर करने के लिए चार नंबर है। अब मैं गैस इसे यहाँ जोड़ देता हूँ और कभी जोड़े गए तो आप सभी तो यहाँ सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये पेंट है, पेंट से जोड़ना चालू करें दे सकते हैं, ये पेंट से जोड़ना चालू करें। तो देखिए यार तो मैंने यहाँ से जोड़ दिया हूँ दे सकते हैं इसका, ये रनिंग का देते हैं रनिंग पॉइंट का स्टार्ट शुरू ये छोड़ दिया हूँ, इंड ले लिया हूँ और ये क्वाइल का दे सकते हैं स्टार्ट को छोड़ दिया हूँ। ये भी रनिंग, ये दोनों रनिंग को मैं मिलाया हूँ। तो इसका भी इंड जो मैं लास्ट जो है ये भी मैं ले लिया हूँ, ये दोनों पैक कर दिया हूँ। अब बचा गया इसका रनिंग का स्टार्ट शुरू बना बचा और ये क्वाइल का दे सकते हैं स्टार्ट शुरू ये बना, ये दोनों बचा, ये दोनों बचा गया। तो अब ये इसी तरह गैस जिस तरह मैं इसे पैक किया हूँ इसी तरह मैं स्टार्टिंग क्वाइल को भी मैंने लास्ट और लास्ट को मैंने इंड को मैं पैक करता हूँ दे सकते हैं इसी तरह सेम मैं इससे पैक करता हूँ। तो देखिए गैस जिस तरह मैं ये रन ये आपको रनिंग का इंड मैंने लास्ट पैक कर दिया हूँ, स्टार्ट ये दोनों को स्टार्ट इसका स्टार्ट बच गया, ये दोनों गैस आपस में मिल गया। अब ये दोनों स्टार्ट को मैं आपस में मिलाया हूँ, इसको भी दे सकते हैं ये स्टार्ट मैंने शुरू हुआ है, ये लास्ट हो गया इंड और ये क्वाइल का इंड मैंने ये स्टार्ट नहीं शुरू हुआ ये नहीं ये लास्ट जो हुआ इसका लास्ट हुआ, ये दोनों में मैं जोड़ दिया हूँ, ये भी पैक हो गया दे सकते हैं। अब दो तार बचा स्टार्ट ये रनिंग का बचा गया दे सकते हैं और स्टार्टिंग का स्टार्ट हिस्सा बचा, ये चार क्वाइल बचा जाए इसी में से अब मुझे कनेक्शन करना है दो कंडेंसर का दो आपको मेन लाइन का। तो देखिए गैस ये अब इसमें कॉमन करना होगा, कॉमन करने से पहले गैस मैं इस सबको गैस ये आरी ब्लेड का सहायता से मैं इसे इस सहायता से इस सब इतना मैं छील लेता हूँ, इस सब पेंट में हटा लेता हूँ यहाँ सब तो मैं हटा देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ स्टार्ट को मैं दे सकते हैं स्टार शुरू हुआ शुरू इसका शुरू मैंने स्टार्टिंग क्वाल का स्टार्ट में शुरू में दे सकते हैं दो छील दिया हूँ यहाँ से और रनिंग का भी स्टार्ट छील दिया हूँ। अब गैस इसे कॉमन करना है, कॉमन मतलब समझते हो गए सभी को, कॉमन मतलब जो मेन लाइन जिसमें पड़ता है कॉमन, तो इस कॉमन किसे करें इसका आपको समझ में नहीं आएगा अगर कॉमन किसा करें। तो ये जो छेदा देख रहे हैं गैस ये जो हॉल जो देख रहे हैं किसी मोटर में नीचे हॉल रहता है किसी मोटर में ये यहाँ ऊपर हॉल रहता है, तो इसमें देखेंगे नीचे हॉल है और ये आपका मोटर अंदर का फिट होगा, ये मोटर जैसे ये अंदर का फिट होगा, ये छेदा तो देख रहे हैं जैसे ये हॉल जो जैसे ये मोटर का ये साइड में घुसे रहा है ये अंदर घुसे रहा है, ये जो छेदा जो मोटर है गैस ये वाला जो है गैस ये वाला यदि गैस ये छेदा आपको नीचे है ये यहाँ से आपको उल्टा ऐसे फिट होगा गैस ऐसे फिट होगा ये कनेक्शन इधर बाहर रहेगा ये वाला जो है गैस ये वाला इधर घुसेगा और कनेक्शन बाहर रहेगा ये साइड में, तो कॉमन गैस ये दोनों होगा ये दोनों नीचे ये छेदा का जैसे नीचे कॉमन होगा इधर नीचे कॉमन होगा इस, यदि आपका छेदा ऊपर रहता और ये टेंशन जो है ये अंदर फिट होता तो ये दोनों यहाँ छेदा का जैसे सामने होता ये छेदा गैस ये यहाँ रहता और कनेक्शन अंदर फिट होता तो कॉमन गैस ये दोनों होता, ये स्टार्ट का ये रनिंग का स्टार्ट ये कॉमन हो जाता तो और छेदा ऊपर है और कनेक्शन बाहर है तो ये दोनों होता आपको कॉमन। तो आई होप गैस आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉमन किस तरह होता है। तो इसका गैस क्या है छेदा यहाँ है और इसका कनेक्शन गैस ये अंदर फिट है तो इस तरह कॉमन ये दोनों होगा। तो मैं पहले ये कॉमन ये दोनों कर लेता हूँ गैस ये रनिंग का स्टार्ट ये स्टार्टिंग का स्टार्ट को मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो देखिए गैस ये मैं कॉमन कर लिया हूँ
ये दोनों कॉमन कर लिया हूँ। और ये रहा जाए टी ओ पी, जैसे आपसे पता होगा डेट, ये इसे टी ओ पी बोलते हैं। इसका काम जो है कि लो वोल्टेज है तो मशीन आपका गर्म होकर हीट होकर मशीन बंद हो जाएगा, कॉइल जलने नहीं देगा। यदि ज़्यादा वोल्टेज है 440 या ज़्यादा वोल्टेज है तो ये टी ओ पी का गैस ये काम है, ये टी ओ पी का काम है गैस। अब सब समझ में आ गया और टी ओ पी के बारे में, टी ओ पी गैस काम है कि लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज रहेगा तो ये ऑटोमेटिक होकर मशीन को बंद कर देगा, मशीन को जलने नहीं देगा। ये मशीन का सेफ्टी के लिए टी ओ पी रहता है, ये जब भी लगेगा ये कॉमन में लगेगा, कॉमन में एक तार यहाँ लगेगा, एक तार ये मेन लाइन यहाँ लगेगा। तो मैं इसे पर जोड़ लेता हूँ। तो देखिए गैस, ये जो मैं टी ओ पी जो जोड़ा हूँ गैस, ये देख सकते हैं कॉमन में जोड़ दिया हूँ। ये दोनों कॉमन देख सकते हैं, दिखता हूँ गैस कॉमन ही हो गया। तो ये देखिए गैस कॉमन में मैं जोड़ दिया हूँ टी ओ पी, और टी ओ पी जैसे होते हुए ये जैसे मैं ये येलो तार जोड़ा हूँ। तो ये येलो जो है गैस, ये आपको हो गया मेन लाइन, डायरेक्ट इट मेन लाइन इसमें जाएगा और डायरेक्ट इट मेन लाइन ये येलो में, ये कॉइल का, ये रनिंग कॉइल का 22 नंबर जो रनिंग कॉइल है, एक मेन लाइन इसमें जाएगा। अब बचा कंडेंसर का, तो ये स्टार्टिंग कॉइल में तो कॉइल स्टार्टिंग कॉइल काम है मोटर जो स्टार्ट करना, तो ये चार्ज देते हैं। ये स्टार्टिंग का ये स्टार्ट कॉइल में एक कंडेंसर तार ये ब्लू वाला स्टार्टिंग में जाएगा, और एक कंडेंसर तार आपको ये रनिंग में जाएगा, ये रनिंग का ये इसमें जाएगा। ये दोनों में जाएगा, ये दोनों ब्लू में देते जाएगा, ये कंडेंसर तार जाएगा, देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में जाएगा एक कंडेंसर, ये रनिंग में कंडेंसर जाएगा, और एक मेन लाइन जाएगा ये कॉमन में टी ओ पी। ये मेन लाइन टी ओ पी में तो होते हुए जाए, देख सकते हैं ये कॉमन एरो मेन लाइन जाएगा, एरो मेन लाइन जाएगा ये रनिंग में जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। अब मैं इस सब सोल्डिंग कर देता हूँ गैस, क्योंकि सोल्डिंग करना बहुत जरूरी है। सोल्डिंग नहीं करते रहते कड़वा खराब होता है, सोल्डिंग करना बहुत जरूरी है। कभी भी आप सोल्डिंग सही तरीका से कर सकते हैं, आप करें देख सकते हैं। अब मैं इसमें स्लीपिंग डाल देता हूँ सब में, जैसे मैं इसमें स्लीपिंग डाल दिया हूँ, सब में स्लीपिंग डाल दिया हूँ, देखते हैं सब में मैं स्लीपिंग डाल के इसे पैक करता हूँ ऐसे। तो देखिए यार, मेरा ये पूरा कनेक्शन कम्प्लीट हो गया, ये मैं निकाल दिया हूँ, देख सकते हैं दो ब्लू तार है, छोटा वाला कंडेंसर का, ये बड़ा वाला पीला तो मैं दिखाया था, तो ये मेन लाइन का हो गया। और ये रहा जाए टी ओ पी, तो टी ओ पी जो ये रनिंग कॉइल देख रहे हैं ना, ये रनिंग कॉइल को ये जो है ये टी ओ पी जो है ये वाला, इसको मैं रनिंग कॉइल के बीच में घुसाना है। यदि बीच में से नहीं घुसाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, जो मैं काम बोला था ये काम वोल्टेज लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में ये ऑटोमेटिक बंद होता है, वो आपका यूज नहीं होगा। ये वाला ये इसमें सेंसर लगा हुआ है, मैग्नेट, ये आपको काम पड़ता है। जब तक ये इसके अंदर नहीं घुसेगा तो ये गैस ये काम नहीं करता, तो इससे अब इसको मैं यहाँ घुसाता हूँ। तो देखिए यार, इसे मैं ये रनिंग कॉइल को फाड़ के मैं टी ओ पी इसके अंदर घुसा दिया हूँ, अब ये सही से काम करेगा। अब मैं इसे यार धागा से इसे मैं पूरा बांध देता हूँ। ओके यार, फिर दिखाता हूँ आपसे तुम्हें। तो देखिए गैस, पहले ये पूरा मैं टेंशन कर दिया हूँ, धागा से पूरा बांध दिया हूँ, देख सकते हैं पूरा। देखिए यार, ये दो ब्लू तार निकला गया, देख सकते हैं ये आपको ये कंडेंसर का ये ब्लू दो छोटा निकाल दिया हूँ, ये ब्लू कंडेंसर का है, ये बड़ा जो है ये मेन लाइन का है। इसमें डायरेक्ट मेन लाइन लगेगा, तो इसमें दो कंडेंसर लगेगा, बस हो गया। तो आई होप कि यार आप सभी को मेरे ये मोटर कनेक्शन का वीडियो समझ में आ गया और पसंद आ गया। मैंने इसमें ब्लू तार देखे, तो मैं बोला था ये ब्लू तार कंडेंसर में जोड़ दिया, देख सकते हैं ये कंडेंसर ब्लू जोड़ दिया, ये जो पीला जो है ये मेन लाइन हो गया। अब मैं इसे चला के मैं देखता हूँ गैस। तो देखिए यार, ये येलो में मैं मेन लाइन डाल रहा हूँ, देख सकते हैं ये मेन लाइन में येलो में डाल रहा हूँ। देखें ये मेरा ये मोटर मेरा जो है देख सकते हैं ये चालू हो गया, मैं यहाँ ये मैं से डाल रहा हूँ, ये रहा है देखें। तो फाइनली गैस, देख सकते हैं ये ब्लू में डाल दिया हम कंडेंसर में, येलो मेन लाइन डाल दिया। तो फाइनली गैस, ये मेरा मोटर कम्प्लीट हो गया, आप सब देख सकते हैं। तो आई होप गैस आप सब को मेरा वीडियो समझ में आ गया, वीडियो पसंद आ गया। तो मैं आज दिखाया गया आप सभी को मोटर के बारे में, मोटर का गैस कनेक्शन किस तरह होता है, आज मैं फुल डिटेल दिया गया आप सभी को। तो आई होप गैस आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी चैनल वीडियो में, जब तक के लिए बाय गैस।